ये देखो भाई, शॉटगन ये आएगी वो भी 37 के बाद। सॉरी यार, ये शॉटगन नहीं है भाई, ये है एक लॉन्चर। मैं नहीं मानता यार, ये शॉटगन भी है और भाई लॉन्चर भी है। इस शॉटगन के बारे में आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाने और बताने वाला हूँ भाई, आप लोग रहा नहीं जाएगा आप लोगों से भाई। सब्सक्राइब के बटन को आप लोग उठा के पत्थर मार दोगे, कुछ भी कर दो। वीडियो कुछ बड़ी होने वाली है, बट आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है भाई। मतलब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ऐसी ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा, आप देख के भाई मतलब पागल हो जाओगे। और यार, लून वोल्फ में आइस ग्राउंड दिया गया है एडवांस सर्वर के अंदर, वो भी खेलने वाले हैं, दिखाने वाला हूँ इसी तरीके से भाई। इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, खतरनाक, जो बोल दो ऐसी अपडेट्स हैं इस वीडियो में। तो भाई वॉच करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोको बटन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं शॉटगन का रिव्यू, क्योंकि भाई ये शॉटगन ऐसी है ना शॉटगन, क्योंकि भाई मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आ गए भाई हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और भाई यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ फटाफट से भाई शॉटगन। अब मैं शॉटगन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई अभी ये है शॉटगन। सबसे पहले भाई इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो, मैं एक दफ़ा फायर के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तीन फायर हो रहे हैं। नोट करो, मैं एक दफ़ा फायर के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तीन फायर भाई खुद ब खुद हो रहे हैं। सबसे पहली ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे लगी। अब देखो, ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर स्विच का बटन आ रहा है, स्विच का बटन देखो ऊपर। जैसे भाई हमारे बीच में गन है, उसको करते हैं हम लोग बीच में, उसको स्विच कर रहे हैं। पहले थी शॉटगन, अब बन गया लॉन्चर। मतलब भाई अमेजिंग यार, शॉटगन ने क्या क्या बना दिया इसको भाई, क्या चीज़ दे दी फ्री फायर वालों ने। मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ है, देखना भाई इसका मैं डैमेज दूंगा। डैमेज भी काफ़ी अच्छा डैमेज है, मतलब बहुत ही अच्छा डैमेज है। लॉन्चर अच्छा, सबसे लॉन्चर ये होने वाला है जो पहले लॉन्चर थे, सबसे बकवास लॉन्चर, मतलब सबसे बकवास, सब बकवास थे, ये बेस्ट है सबसे। इसमें देखो भाई, यहाँ पे देखो भाई, इसमें वो भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एम जो होता है ना मारने वाला, वो एम भी आ रहा है। क्योंकि भाई हमें पता चले दूसरे लॉन्चर में सही से एम नहीं जाता, मारना कहाँ होता है, चले कहाँ जाता है, इसमें भाई एम भी आ रहा है। और भाई इसमें तीन खूबियाँ हैं। सबसे पहले तो भाई, एक दफ़ा आप लोग एम को टच करो, तीन गोलियाँ ऑटोमेटिक लगेंगी, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि भाई शॉटगन है काफ़ी अच्छी चीज़ है, तीसरा ये हो गया कि भाई ये लॉन्चर भी है। मतलब भाई बताओ कैसी लगी, क्या चीज़ है ये, कमेंट बॉक्स में इसकी तारीफ करके ज़रूर जाना, मतलब कर देना। और यार अब मैं आप लोग करवाने वाला हूँ भाई आइस ग्राउंड, यानी भाई लून वॉल्फ आइस ग्राउंड का भाई रिव्यू। गेम खेलने वाले हैं, बस मूड को खेलने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसा है। तो चलो फटाफट से खेलते हैं, देखते हैं कैसा है और क्या मज़ा आने वाला है उसके अंदर। यहाँ पर भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आइस ग्राउंड लून वॉल्फ के अंदर। यहाँ पर सामने 1v1 है लून वॉल्फ के अंदर, आपको पता है 1v1 होता है। तो भाई यहाँ पर वेदर आप लोग कुछ देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग वेदर हो रहा है। वेदर के साथ साथ मुझे पड़ चुका है खतरनाक वाला वन टैप, और यहाँ पर एनिमी दिखा दिया है मुझे रॉस वाला इमोट, क्योंकि भाई एक ही इमोट बंदे के पास तो वही दिखाएगा ना यार, जाहिर सी बात है भाई। देख लो यहाँ पर आप लोग, काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, चारों तरफ बर्फ गिर रही है, बहुत अच्छा वेदर है। इस वेदर में खेलने का मज़ा ही अलग है, मतलब भाई सर्दी के मौसम में ऐसे इसी मैप में बंदा खेलेगा, समझो भाई क्या मज़ा आएगा, मतलब भाई बहुत मज़ा आने वाला है। चलो भाई इसको थोड़ा वन टैप की ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा वन टैप का मज़ा चखाते हैं, क्योंकि भाई वन टैप ना मारे हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं होती। इसको पहले वन टैप मारते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि भाई आगे क्या करना है इस मैप का, आगे मैं आपको मैप का रिव्यू करवाऊंगा। ये पड़ा इसे वन टैप, वन टैप वाला आप लोग देखो एनिमेशन, पहले येलो था अब हो चुका रेड, ठीक है ना। अभी अपडेट के बाद आप लोगों को रेड से रेड वाला वन टैप का जो भाई साइन आता है देखने को मिलेगा, वन टैप का भी किल का भी सबका रेड देखने को मिलने वाला है। अब भाई यहाँ पर कुछ और राउंड खेल लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि भाई देखने वाले हैं कि इसके अंदर और क्या क्या सीन आने वाले हैं। फिलहाल भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक कुछ इस टाइप का आ चुका है, इसके ऊपर चल चल के देखते हैं। इसके ऊपर बर्फ़ है, देखो भाई यहाँ पे हर जगह बर्फ़ बर्फ़ दिख रही है, और भाई मतलब काफ़ी अच्छा बनाया गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। अब भाई ये किसी मैप से लिया गया है या फिर भाई अलग से बनाया गया, वह तो नहीं पता। अभी इस राउंड में बंदा मुझे मार के चले जा चुका है यहाँ पर भाई। अब देखो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर तीन राउंड में आपने नोट किया होगा एक ही लोकेशन आ रही है, सिर्फ भाई एक लोकेशन बनाई गई है लून वॉल्फ के अंदर। चार पाँच लोकेशन होती है आप लोगों को पता है, यहाँ पर भाई एक ही लोकेशन आ रही है कब से, जब से भाई मैंने दो तीन राउंड खेल चुका हूँ आई थिंक है ना तीनों राउंड में भाई
एक ही लोकेशन आ रही है बार बार। तो भाई सबसे मुझे अजीब चीज़ तो यही लगी, क्योंकि भाई अब मुझे समझ में आ चुका है क्योंकि बड़ा मैप एक ही मैप से मुझे लग रहा है कि लिया गया है, हो सकता है कोई बड़ा मैप हो उससे ये एक जगह निकाली गई हो लून वर्ल्ड के अंदर। तो भाई ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है कि भाई एक ही मैप में खेल खेल के बंदा बोर हो जाता है यार, मैं भी बोर हो जाता हूँ और इसलिए भाई मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए भाई आप लोग को बता रहा हूं। शॉर्ट रिव्यू का भाई आप लोगों को मैं बता देता हूँ, काफ़ी ही अच्छा मैप है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मज़ा आने वाला आप लोगों को इसके अंदर खेलने के बाद। बट भाई इसके अंदर जो बार बार लोकेशन चेंज होती है ना वो नहीं होने वाली, तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को खेलने के बाद। जाते जाते भाई आप लोगों को एक और चेंजेस सिखाता चलता हूँ। यहाँ पर देखो भाई रिलोड जब हो रहा है तो भाई यहाँ पर देखो एक न्यू ही एनिमेशन आ रहा है, एक न्यू एनिमेशन आ रहा है, देख लो काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, आप लोग कैसा लगा बताना ज़रूर। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा रिव्यू, सबसे पहले भाई आप ये बताओ शेड्यूल कैसी लगी और भाई कैसा लगा आप लोग को आइस ग्राउंड लून वुल्फ का, और भाई कैसे लगे चेंजेस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भाई को और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखनी है। और भाई अभी कुछ देर बाद हम करने वाले हैं लाइव स्ट्रीम एडवांस सर्वर की, अगर आप लोगों को आना है तो भाई आ जाना, क्योंकि भाई उसमें आप लोग जो कहेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो भी आप लोगों को देखना वो दिखाऊंगा। अगर आप लोग को नहीं आना लाइव स्ट्रीम में, अगर आप बिजी हैं तो भाई कोई बात नहीं, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कह दें आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी कोई। और भाई अगर कोई न्यू चीज़ आप लोग देखो एडवांस सर्वर के अंदर तो भाई मुझे बताना ज़रूर, उसका रिव्यू लेकर आऊँगा मैं, आप लोगों को दिखाऊंगा, रिव्यू करेंगे उसका, ठीक है। तो भाई किसी लगी अच्छी वीडियो, आई होप एंजॉय की होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रुपये के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।